नरसिंहपुर में अपने परिजनों को खोने की जो तस्वीर सामने आई है उसने पूरे सिस्टम को झंझोर कर रख दिया है, तो वहीं सरकारी व्यवस्थाओं की भी पोल खोलकर रख दी है। जिला अस्पताल के कोविड केयर सेंटर परिसर की जो तस्वीर है हम आपको दिखाने वाले हैं, उसे देखकर आपका भी दिमाग घूम जाएगा। ये तस्वीरें हैं आमगांव की रहने वाली एक महिला की बच्चे की, जिसकी मां ने कोरोना के चलते दम तोड़ दिया है। दरअसल इस बच्चे की मां को रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत थी। परिजनों ने बामुश्किल ब्लैक में इंजेक्शन को बुलाया, जिसे जबलपुर से 10,000 रुपए से ज्यादा में खरीदा गया। आखिर खरीदते भी क्यों नहीं, आखिर माँ की जान का सवाल था, पर इंजेक्शन ही उसकी माँ को नहीं लग पाया और इलाज के अभाव में माँ ने दम तोड़ दिया। बिलक बिलक कर बेटी साफ कह रही है कि जब दवा नहीं तो इलाज क्यों कर रहे हैं। बच्ची का यह सवाल कोरोना के दौर में सिस्टम पर तीखा प्रहार है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार कोविड केयर सेंटर में कभी भी एक ही पेशेंट को निगेटिव बताया जाता है तो कभी उसी पेशेंट को पॉजिटिव बताकर इलाज कराने मजबूर कर दिया जाता है। आखिर कैसे कोरोना के नाम पर यह सब हो रहा है, इसे कहने सुनने वाला कोई भी नहीं है। अब जब हमने मामले को लेकर जिम्मेदारों से बात की तो उन्होंने बताया कि इलाज में देरी और लंग्स की खराबी से मरीज को वे बचा नहीं पाए। इतना कहकर जिम्मेदारों ने अपना पल्ला झाड़ लिया। इस घटना से साफ समझ में आता है कि करोड़ों अरबों रुपए से बनाए हुए सरकारी सिस्टम किसी काम के नहीं है, वे केवल कागजी घोड़े हैं। ना तो इधर इंजेक्शन मिल रहा है, ना पैसा में मिल रहा है, कितने भी पैसे मिल रहे हैं। हमारी माँ जी तो चली गई, दूसरों की जान बचा लो जो इधर रहेंगी। हमारी माँ जी के सामने जो पांच थे वो भी चले गए, सब चले गए। दूसरों की जान बचा लो, हमारी माँ जी चली गई, और भी लोगों की जान बचा लो। बहुत लापरवाही कर रहे हैं डॉक्टर, बहुत। इस मृत्यु का भी आगे की रिपोर्ट अभी आई नहीं है। जांच जो डॉक्टर की पैनल करती है, डॉक्टर ऋतु दवान, डॉक्टर खातल का जो उसके विशेषज्ञ हैं, वो लोग जांच करेंगे। अगर कोई ऐसे लगता है कि कोई जानबूझ के लापरवाही की है तो उन पर भी नियमानुसार कार्रवाई हमेशा की जाती रही है।